क्या आप मिलते आपके यहाँ पता नहीं कैसा टेस्ट आता, मजा आ जाता। जोरदार ताली बजाओ रीवा के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने वेंकट भवन के सामने नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। इस सभा के दौरान कई कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों बीजेपी की सदस्यता ली। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रीवा में कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले पूर्व शहर अध्यक्ष डॉक्टर मुजीब खान भी शामिल रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा पहुंचे, जहां पर वेंकट भवन के सामने उन्होंने नामांकन सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले पूर्व शहर अध्यक्ष डॉक्टर मुजीब खान सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ले ली। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा रीवा की धरती से संबंध अलग प्रकार का है। बाबा महाकाल की नगरी से सुंदरजा की नगरी, उन्होंने सुंदरजा आम की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ पर क्या आम मिलते हैं, मजा आ जाता है। रीवा का मेरा संबंध अलग प्रकार का है और बाबा महाकाल की नगरी से सुंदरजा की नगरी। क्या आप मिलते आपके यहाँ पता नहीं कैसा टेस्ट आता, मजा आ जाता। जोरदार ताली बजाओ रीवा के लिए। बोले महाकाल महाराज की। और पास में चित्रकूट है, अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की 3 प्रतिमाएं थी बनाई हुई और तीनों प्रतिमाओं की तुलना की गई कि भगवान का मुखमंडल सबसे सुंदर किसका लग रहा है, कौन सी प्रतिमा का लग रहा है। शालिग्राम के बनाए हुए पत्थरों से बनी हुई प्रतिमा है और सबसे अच्छे मुस्कुराते हुए जो भगवान दिखे उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो बोलो जय जय श्री राम। हमने 17 लाख साल पुराना इतिहास तो नहीं देखा, केवल सुना ही सुना, लेकिन ऐसा लगता है कि पाषाण की प्रतिमा इतनी सुंदर हो सकती है तो 17 लाख साल पहले के प्रभु राम का दिव्य भव्य दर्शन कैसा हुआ होगा, कैसे हमारी सनातन संस्कृति ने हजारों लाखों सालों से अपने हृदय के अंदर अपने देवताओं को विराजित किया होगा। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल पर तंज कसते हुए कहा कि पहले कैसे रीवा आना पड़ता था। जब बस से आता था तो खराब सड़कें मिलती थी, ट्रेन से आता था तो खपरेल घर देखने को मिलते थे। हमें बहुत पीड़ा होती थी कि इस पर किसकी नज़र लगी हुई है। वर्षों पहले लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो सकती थी, कितनी पीढ़ियां सुधर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। कांग्रेस के शासन में पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर काट देता था, जहाँ देखो वहाँ आतंकवादी हमला हो जाता था, लेकिन बदलते दौर के भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने घर में घुस के उनके छक्के छुड़ाए, सर्जिकल स्ट्राइक की। कैसे आता था मैंने पता नहीं, क्या मेरी किस्मत है, कैसे आना पड़ता रीवा। और ऐसे जब रेल से आता था तो रेल के डब्बे में बैठ के इधर देखता तो जैसे ही बरसात गई खेत खाली पड़े, क्या खपड़ेल के मकान, वो क्या कवेलू कवेलू अंग्रेजी कवेलू के बजाय हमारे बड़ा मन में ऐसी पीड़ा होती थी कि भगवान इस पे किसकी नजर पड़ी। ये तो वो धरती है जिनने भगवान राम को 11.5 साल अपनाया, अपने आगोश में लिया, उनको आशीष दे करके ये धरती धन्य हुई है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने आजादी के बाद अगर इस क्षेत्र की उपेक्षा की तो मुझे इस बात की पीड़ा है कि वर्षों पहले यहाँ के लोगों की जिंदगी खुशहाल हो सकती थी, जो अभी हुआ वो 70 साल पहले हो जाता, कितनी पीढ़ियां सुधर जाती, कितने लोगों का भला हो जाता। मुझे मालूम है रीवा के लोगों की काम करने की काबिलियत तो रीवा के लोगों की अपनी क्षमता, रीवा सतना, अरे ये तो देवभूमि है जहाँ के लोग इतने पवित्र मन से काम करते कि दुनिया में एक अलग अपनी मीठी जवान के लिए जाने जाते और अपने काम से पहचाने जाते। लेकिन दुर्भाग्य से लगातार नजरअंदाज किए, बड़े बड़े लोग यहाँ थे लेकिन केवल वोट लेकर के सरकार बनाना और सरकार बना के मौज मस्ती करना, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और उसके उल्टे जैसे ही भाजपा की सरकार बनी पूरा परिदृश्य बदल गया। कहा छोटी सी तहसील के नाते से जाना जाना वाला रीवा आज हर कोई लालायित होता कि मेरा मकान रीवा में हो, काश मेरा संबंध रीवा तरफ हो, रीवा संभाग में।
और केवल रीवा क्यों, रीवा सीधी सिंगरौली ऐसा लगता था श्रीलंका में जा रहा है। आने के रास्ते नहीं, जाने के रास्ते नहीं, रेल के ठिकाने नहीं, और कहने के लिए नीचे धरती रत्न गर्भा, क्या चीज नहीं थी वहां, सब कुछ है। अगर नहीं थी तो कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी विकास करने के लिए, कांग्रेस ने गुलाम बनाया हुआ था क्षेत्र को। और जैसे कि बात निकली है कहां 70 साल और कहां 10 साल, ये चुनाव जो हो रहा है ये हमारे 10 साल का चुनाव हो रहा है। लेकिन इस चुनाव में पहले मैं थोड़ी राज्य सरकार पे बात करना चाहूंगा। देश नर्मदा जी यहां से बहती है, आपके क्षेत्र में नदी की अपार संभावना है, लेकिन इस दिशा में कोई काम ही नहीं किया। पूरा प्रदेश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था कृषि विकास दर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कहीं है तो मध्य प्रदेश की है। ये हमारी भाजपा की पहचान है, ये हमारे काम करने का तरीका। अरे किसानों की जिंदगी बदलेगी तो अपने आप पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। कृषि आधारित पूरा प्रदेश है, किसान को कुछ नहीं चाहिए, किसान को केवल पानी दे दो, बिजली दे दो, बाकी तो वो अपने शरीर को जैसे सीमा पे जवान अपनी जान लगा के खड़ा रहता है, ऐसे ही खेत में किसान उसकी बराबरी करता है, खून को पानी करके लोगों के लिए अन्न उपजाता है, उनको भूखे को अन्न दे करके उसको जो यश मिलता है वो किसी से किसी की कल्पना नहीं हो सकती। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जैसे जवानों की इज्जत किसी ने नहीं की, ये सारा पाप कांग्रेस के माथे, इस देश के जवानों ने इस देश की रक्षा करने में अपना सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ पाकिस्तान के छोटे से देश के लोग, वहां के सैनिक हमारे सैनिकों पर सर काट के ले जाते थे, देश की सरकार मुंह उठाए कुछ करती नहीं थी, देखती रहती थी, उनकी गर्दन काट करके फुटबॉल खेलते थे। इस देश के अंदर बंबई दिल्ली जहां देखो वहां आतंकवादी घटना होती थी, लेकिन कांग्रेस के लोग और बाकी लोग इस पूरे मामले में पूरी नजरदारी करते थे। लेकिन बदलते दौर का भारत है, अब ये नरेंद्र मोदी का भारत है। आपने एक बार वोट दिया जनार्दन मिश्रा जी को तो जो छक्के छुड़ाए कि घर में घुस के मार के आने का दम किसी में है तो नरेंद्र मोदी और उनकी अपनी सरकार में दम था। और एक बार नहीं दो दो बार जाकर के, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक मैदान से जाकर मारना, दूसरी बार हवा से जाकर मारना, और मारना तो कैसा मारना, छिटके नहीं मारना, डर के नहीं मारना। आपको मालूम है जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक हुई, हमारे जवान उनके घर में जाकर के आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर रहे थे, तो लौटते आने में हमारा एक हवाई जहाज विमान गिरा लिया। वो याद करो मूछ वाला अभिनंदन, जिसके आधार पे वो बताते रहते अभिनंदन आपका सैनिक हमारे पास है, हमारे देश के प्रधानमंत्री किससे कह रहे थे कि केवल बात कर लो हम आपके सैनिक को छोड़ देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश की इज्जत बढ़ाई, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है आपके आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस करके हमारे 100वें सैनिकों पे बम गोले चलाए, उनकी हत्या की, हमने जाकर के वो उनके उसी प्रकार के अड्डों को तबाह किया, आपकी फौज और हमारी फौज कहां से आ गई बीच में, हमारे सैनिक का अगर बाल भी बाका हुआ तो अगले दिन का सूर्य नहीं दिखेगा, पाकिस्तान हालत खराब कर देंगे, ये हमारे अपने लिए उस समय की ताकत। मुझे इस बात की प्रसन्नता केवल एक ही मामला नहीं, लंबे सारे बहुत सारे मामले, और तो और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करने के लिए केंद्र सरकार बनती है, और केंद्र सरकार के लिए गए निर्णय का हम सब देखते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया 3 तलाक का 35 साल पहले, लेकिन सरकार में दम नहीं था तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में, मेजोरिटी पूरी थी, वर्तमान मोदी जी की मेजोरिटी से भी ज्यादा थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक अमानवीय है, यह गलत है, बहनों की जिंदगी को नर्क में धकेलता है, हिंदू हो या मुसलमान हम पे तो बहुत आरोप लगते हैं कि हमारी हिंदूवादी पार्टी, लेकिन हमने हिंदू मुसलमान का नहीं सोचा, हमने कहा भले मुस्लिम बहने हैं लेकिन है तो भारतीय, है तो अपने राष्ट्र की, उनकी बहनों के साथ क्यों अन्याय होना चाहिए, बाल बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया,
केवल फोन पे तलाक 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 और बहन की जिंदगी नरक में, ये नहीं चल सकता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 तलाक 35 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, उस समय की सरकार नामर्द होगी, कमजोर होगी, लेकिन हमारी सरकार उस अन्याय को बदलेगी और हमारी सरकार ने एक झटके के साथ वापस उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कर दिया। ये 56 इंच वाले की सरकार है, क्योंकि मोदी है तो आवाज नहीं आई। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के मामले में फैसला लेने का दम नहीं था तत्कालीन कांग्रेस सरकार में, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने तत्काल 3 तलाक को हटा दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जैसे मुद्दे पर भी कांग्रेस ने बार बार अड़ंगे लगाए, कांग्रेस ने बार बार हिंदुओं को अपमानित किया, हमने राम मंदिर का निमंत्रण दिया लेकिन इनके नेता राम मंदिर के मामले में बार बार अड़ंगा लगाते रहे। रीवा से हमारे रिपोर्टर विजय तिवारी की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।